Hello students, welcome back. In this video actually we will discuss about the particle in a box. Particle in a box, when we use this statement, तो इसका मीनिंग क्या है और ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कि यहाँ एक पिक्चर को ड्रा किया हुआ है एटम की, और एटॉमिक जो डायमेंशन है उसको रिप्रेजेंट किया है कैपिटल एल से, और जो इसकी डायमेंशन है एटम की वो 10^-10 मीटर के हैं. राइट, यू कैन से कि जो एल है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-10 का है. दिस टाइम ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ शो किए हैं, ये इनका वेव फंक्शन क्या होगा, इनकी एनर्जी क्या होगी. राइट, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए वी यूज दिस कंसेप्ट, पार्टिकल इज इन ए बॉक्स. ये कोई बॉक्स बोल सकते हैं आप इसको, या कोई एक पोटेंशियल वेल बोल सकते हैं. तो बॉक्स जो है वो पोटेंशियल वेल भी हो सकता है किस कुछ बुक में, या उसका जो मीनिंग है. तो अगर कहीं लिखा है कि पोटेंशियल वेल, तो व्हाट इज इट मींस? इट मींस कि जो ये बाउंड्री है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एट एक्स इज इक्वल टू एल, यहाँ जो पार्टिकल के लिए पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है एट दिस पोजिशन. राइट, सो बट द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दिस पार्टिकल इज फ्री टू मूव हियर एंड देयर. इट मीन्स वी इज इक्वल टू जीरो इन साइड द पोटेंशियल वेल. तो ये केस जैसा है उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि एक क्लास है और एक क्लासरूम के अंदर टीचर है, टीच करते हैं, और यहाँ स्टूडेंट हैं क्लासरूम के अंदर. तो स्टूडेंट जो है वो बाउंड है, बाउंड बिकॉज ऑफ द टाइम टिल दैट टीचर इज इनटू द क्लासरूम. तो ये सभी स्टूडेंट्स यहाँ क्लासरूम के अंदर अपनी जो जहाँ इनकी बेंच है, चेयर है, वहाँ ये बैठे रहेंगे. राइट, इनका कोई मूवमेंट नहीं होगा. बट वो जो टाइम है वो 45 मिनट्स का हो सकता है किसी एक क्लास का. तो वन लेक्चर के लिए दीज स्टूडेंट्स आर बाउंड एंड दीज आर बाउंड बिकॉज ऑफ दिस टीचर. राइट, सो नाउ टीचर इज बेसिकली वो इनके लिए क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स का काम करता है टू मेक दिस सिस्टम, ये जो क्लासरूम का सिस्टम है इसको मैनेज करने के लिए. राइट, तो ये स्टूडेंट अपनी चेयर पर, अपने जहाँ पर बैठे हैं बेंच पर, वहीं बैठे रहेंगे. और जैसे ही क्लासरूम से टीचर अपनी क्लास लेकर बाहर आएगा तो ये क्या होगा, ये एक स्टूडेंट यहाँ मिलेगा और दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा. तो कोई फिक्स पोजिशन नहीं रहेगी अब. राइट, तो नाउ दीज स्टूडेंट्स, दीज चिल्ड्रन बेसिकली फील फ्री. तो ये फ्री है, देयर इज नो एनी बाउंडेशन. तो सिमिलर टू दैट, व्हेन वी ट्रीट दिस प्रॉब्लम पार्टिकल इन ए बॉक्स, तो ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, ये वी ट्रीट इट एज ए फ्री पार्टिकल. सो ये पार्टिकल जो है ये कैसा पार्टिकल होगा, ये फ्री पार्टिकल होगा. दैट मीन्स देयर इज नो पोटेंशियल. राइट, बट पोटेंशियल जो होगा वो इनफाइनाइट होगा एट दी बाउंड्री. और बाउंड्री कैसे डिफाइन की है, वो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू एल डिफाइन की है. इससे पहले जो हमने जो डिस्कस किया था वो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को ड्राइव किया था. राइट, कीपिंग इन माइंड अबाउट टू द वेव फंक्शन, की वेव फंक्शन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लाइक दैट. तो यहाँ जो रिजल्ट है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का, वो आपने देखा कि ये इक्वेशन को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था, डेल टू साई प्लस टू एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो. सो नाउ वी विल यूज दिस इक्वेशन. राइट, सो इन दिस केस पार्टिकल इन ए बॉक्स और पार्टिकल इन ए पोटेंशियल वेल. राइट, दिस पोटेंशियल वेल इज इनफाइनाइट डेप्थ का है, यू कैन से. तो वी इज इनफाइनाइट, अगर कोई चीज़ यहाँ पड़ी है तो वो बाहर नहीं आ सकती,
तो ये पार्टिकल इटसेल्फ कैन नॉट जंप इट. तो अब ये इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पार्टिकल इन एन इनफाइनाइट राइट पोटेंशियल वैल्यू. तो चाहे आप बॉक्स यूज करें चाहे ये, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को आई हैव जस्ट ट्राइड टू उसका एक पिक्चर कि उस प्रॉब्लम के लिए हम लोग जो है इस मॉडल को यूज करते हैं पार्टिकल इन ए पोटेंशियल वेल राइट. कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनसाइड द एटम, अगर इसकी एनर्जी स्टेट और इसको डिफाइन करना हो राइट इसके आइगन फंक्शन को, तो कैसे करेंगे. तो अभी जैसे एक एग्जांपल दिया था उस पॉइंट ऑफ व्यू से फर्दर आगे बढ़ते हुए, तो वी विल यूज फर्स्ट ऑफ ऑल जो श्रोनिगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है. तो यूजिंग दी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोनिगर इक्वेशन, सबसे पहले तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोगों ने यूज किया. और ये कौन सा है, टाइम इंडिपेंडेंट, इसको कैसे लिखते हैं, डेल स्क्वायर साई प्लस टू एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो. दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. बट एज वी नो दैट वी इज इक्वल टू जीरो इन दिस केस, क्योंकि यहाँ हमने क्या कंसिडर किया है, एक फ्री पार्टिकल कंसिडर किया है. और फ्री पार्टिकल के लिए क्या होगा, पोटेंशियल जो होगा वो जीरो होगा. अगर ऐसा है तो उस केस में जो फर्स्ट इक्वेशन होगी डेल स्क्वायर साई, वो कैसे लिखी जा सकती है, डेल स्क्वायर साई प्लस टू एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू जीरो. एंड टुगेदर इट वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो क्या है कि यहाँ जो ये प्रॉब्लम हम कंसिडर अभी कर रहे हैं पार्टिकल इन ए पोटेंशियल वेल, वो वन डायमेंशनल है. तो ये जो प्रॉब्लम है वो वन डायमेंशनल है, इसलिए ये जो लाप्लासियन ऑपरेटर है इसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर. सो इंस्टेड ऑफ दिस वी विल राइट इसको डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर एंड दिस साई इज इक्वल टू जीरो. सो दिस इज अवर इक्वेशन जिसके साथ हम लोगों को प्ले करना है और जिसके थ्रू ये ड्राइव करना है रिजल्ट, और वो कुछ कंसेप्ट हैं उनको डिफाइन करेंगे. तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. इन दिस सेकेंड इक्वेशन साई जो है वो एक वेव फंक्शन है, और यहाँ हम एज्यूम करके चलेंगे कि जो ये सेकेंड पार्ट है, ये जो यहाँ टू एम ई और एच क्रॉस है, इनको वी विल एज्यूम इट इज इक्वल टू के स्क्वायर. सो के स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर. सो नाउ द इक्वेशन बिकम्स डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो. सो लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री. सो व्हाट वी डिड, वी जस्ट डिफाइन द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द फ्री पार्टिकल एंड दिस रिजल्ट बिकम्स लाइक दिस. एंड देन आफ्टर वी एज्यूम दैट दिस फैक्टर इज इक्वल टू द के स्क्वायर. So now the equation is this, and from here we can assume a solution of this second order differential equation. So a solution of this equation can be written as psi x is equal to a sine kx plus b cos kx. This is suppose equation number 4. Here a and b both are constant. So a and b are constants. Right. So now
The next thing is about to the value of the constants A and B. So, keeping the boundary condition in mind that we know at x is equal to 0, potential is infinite beyond it, this side and this side, right? Also, at x is equal to 0 and at x is equal to L. But in between these two dimensions, the particle is free. There is no potential, right? So, now we have to find out the value, first of all, these constant A and B. So, at x is equal to 0, right? The wave function is 0. Why? Because there is no any possibility to find the particle at x is equal to 0 at this wall. And same is true for this one. So particle you can find out in between x is equal to 0 to x is equal to L. So because of that reason, wave function will be equal to 0. And at x is equal to L, again the same situation. So here again, when x is equal to L, this wave function will be equal to 0. Right? Also, we have to define the potential. This potential, right? When x is less than 0 and when x is greater than L, potential is infinite. Also at x is equal to 0, at x is equal to L also. And in between 0 to L, this potential is 0. So how to write it? Potential is equal to 0, where when x is greater than 0, less than L. So at this time, potential jo hoga, wo 0 hoga, and it will be infinite, where when x is less than 0 or equal to 0, right? And second thing, we have to remove this one. And at the second point, where it is infinite, when x is greater than or equal to L. At this point, potential will be infinite. And in between these two, 0 to L, potential will be equal to 0, and the particle will be treated as a free particle. Right, so this is the point. And now, by using all these two boundary conditions, so this is first boundary condition, this is second boundary condition, right? So this is the first boundary condition at x is equal to 0, psi will be equal to 0. So by using this boundary condition at this equation number 4, so psi x is equal to 0, right? When x is equal to 0, so put this x here, 0, a sine 0 plus b cos 0. So kx as x is equal to 0, so this factor becomes 0. Similar is true for this one. So there are two terms, one and second. The sum of these two is equal to 0. So how we conclude the value of a and b? We know sine 0 is equal to 0. We know sine 0 is equal to 0. It means a is not equal to 0. Right? On the other hand, cos 0 is equal to 1. So it is true that b will be equal to 0. So from it, we conclude that b is equal to 0. How did, basically, kaise hi hum logon ne kiya? We define first of all the wave function in terms of these two terms, with these constant a and b. Now we have applied the boundary condition at x is equal to 0, where wave function is also 0. So at x is equal to 0, this wave function becomes 0. And when we are putting the value of x, again 0, similar is true for this one.
So here a sine 0, we know that sine 0 is equal to 0, so it means a is not 0. But here at when cos 0 is equal to 1, it means b is equal to 0. So out of these two constant, one constant is 0 and second constant is not 0, right? So from it psi x is equal to a sine kx, right? We have this one. So this is equation number 5. Similar will be true for the at x is equal to l, right? Now using the boundary condition, at x is equal to l also psi is equal to 0, this one. So now psi x, this psi, I am writing again, psi x is equal to a sine kx plus b cos kx. And what is the boundary condition? Boundary condition says that at x is equal to l, wave function is 0. Right? At x is equal to l, this wave function is equal to 0. So putting this value here, psi is equal to 0, left hand side is equal to 0. This sine kx plus b cos kx already 0. The second term already 0. So we will use only this term. So here this a sine kx is equal to l. So a is not 0 as we know from the earlier statement. So a is not 0. It means sine kl is equal to 0. And this will be true when kl is equal to n pi. So for all the values of n pi, it will be equal to 0, because sine n pi is equal to 0 for all the value of n, right? So from this conclusion, sine kl is equal to 0 only when kl is equal to n pi. So it means we can conclude from here k is equal to n pi upon l, right? So there are two things here to conclude. We have put the second boundary condition, and from the second boundary condition we find out this result for the k, right? So this k is equal to n pi by in this term, if I have to write this wave function psi x, then it can be written as psi x is equal to a sine n pi x upon l. So this is our wave function. This is equation number 5. And this is equation number 6 when we put the value of this k, right? So psi x will be equal to a sine n pi x upon l. Now what is the checkpoint? Checkpoint is this one. This we have to find out the value of a. So what is it? This is the normalization constant. So we have to find out the value of normalization constant. And how to find it? We will use the normalization condition, right? So there are now two points. One is related to the wave function. Now we will use this word eigenfunction and eigenvalues. These are two points which basically we have to find out. Up to here, what we did try, we just define the psi x, that is a sine n pi x upon l, right? So this is the wave function which we had defined in the last slide here at 6 number. So this is equation number 6. So to find it, this normalization constant, what we have to do, first of all, this one.
So we will use normalization condition. What is the normalization condition and how to write it? That is the point. So normalization condition is minus infinity to plus infinity mod of psi square. If you are using one dimensional case, then dx it should be equal to 1. So here we have psi. Psi is equal to this one. And what is mod of psi square? Mod of psi square is psi star complex conjugate of the psi. Right? And mod psi square will be equal to psi star into psi, the product of these two. So now instead of using minus infinity to plus infinity, what we will do? We will use the boundary. Right? So at x is equal to 0 to at x is equal to 1 L. So within that dimension, we have to basically normalize the wave function because this wave function is not normalized. Why I am saying this wave function is not normalized? Because of this constant, right? We have to find out the value of this constant. And how to find out that value? So we are using the normalization condition. So one can find out the normalization constant value by using this condition. So here you have to basically solve this integration. And when you will put the value of this one, mod of psi square, so it will be 0 to L and this a square sine square n pi x upon L dx is equal to 1. So we have to basically solve this integration. A square comes out and this will be 0 to L and sine square n pi x upon L dx is equal to 1. So left hand side is this one. So our target is to solve this problem, right? This integration, and it is a square 0 to L sine square n pi x upon L dx is equal to 1. So how to solve basically this integration? To solve this integration, what we have to do, or what the formula we have to use, as you know that cos 2 theta, right? Cos 2 theta is what? Is equal to cos square theta minus sine square theta, right? So this is sine square theta, you can say. So we have to basically define it in terms of to the cos 2 theta. So once again, cos square theta you can write as cos square theta sine square theta plus cos square theta is equal to 1. So cos square theta will be equal to 1 minus sine square theta. So when you will put this value here of cos square theta, so cos 2 theta is equal to 1 minus sine square theta and this minus sine square theta. So this becomes 2 sine square theta. So again, we have to find actually sine square theta in terms of this cos 2 theta. So this cos 2 theta minus 1, or you can say that 1 by 2, right? This sine square theta, what will be it? 1 minus cos 2 theta, right? And here 2 sine square theta. So it would be like this one. So here, or directly you can write if there is any problem. So this 2 sine square theta is equal to this one. So this is sine square theta. So again, sine square theta is equal to 1 by 2, 1 minus cos 2 theta.
So now we have to integrate a square 0 to L. Instead of this sine square theta, we have to write this a 1 by 2 and in bracket this 1 minus cos 2 theta. And instead of theta, we have to write actually here actual value 1 minus cos 2n pi x upon L. And this is dx again equal to 1. So now you have to integrate this 0, these two part 1 dx and minus 0 to L, and this cos 2n pi x upon L dx, right? So these two integration you have to solve out. So it basically will be equal to 1 when you will solve it, and the result will be a square by 2 is equal to L. This will be equal to L, right? So this a square by 2 into L is equal to 1. So a is equal to 2 upon L. Or I have to see this, if I have to solve square root 2 by L or 2 by L, because I have little confusion here at this time. So this will be under root 2 by L, right? It will be L by 2 L. So this will be a is equal to square root 2 by L. So by this way, one can find out the value of this constant. And this wave function, right? Here psi x a sine n pi x upon L will be under root 2 upon L. So this psi x will be equal to under root 2 upon L, this sine n pi x upon L. So this is the exact wave function which we have to use in the practice, right? So this is the actual wave function for this particle which is inside the potential well. So psi and you can write x is equal to under root 2 upon L sine, and this was n pi x upon L. This is sine n pi x upon L. Now we define the wave function, right? For the first, second, third, like this, we can define that. For the first state, this psi 1, psi 2, and psi 3. And the probability will be psi 1 square, psi 2 square, right? Now the wave function is normalized. So one can find out easily the probability. So if I ask a question here, that find out the probability of the particle, right, this x where is from 0 to L. So you will use this 0 to L and mod psi square dx, and now find out the result, right? Because the wave function is normalized, so the probability will be equal to 1. So between 0 to L, right, use this wave function and find the probability. Now the second point about to the energy eigenvalues, right? We define this one and now we will define it. So to define the energy, we have seen here k is equal to n pi by L, and in the beginning how basically we defined the k, do you remember? This point k square is equal to 2 me upon h cross square. So k square is what? So k square is equal to
what was the value, this value of the energy, K is equal to 2ME upon H cross square. 2ME upon H cross square. This is the K square. And recently we had defined, observed here, K is equal to N pi by L, this value. So we will use both. So as a result, when this N pi by L, this value N pi by L, we will put here in the square form N pi upon L and square of it. It becomes N square pi square upon L square. So now using this one and this one, both are same, right? So now we can define this E. E is equal to N square H cross square pi square upon this 2M and L square. So H cross square can be written N square H square, and H square is H bar is equal to H upon 2 pi, and H cross square will be what? H cross square will be H square upon 4 pi square. So now I can write this pi square. It will be cancelled out when we will use this H cross square. So H cross square is equal to H square and 4 pi square. 4 into 2, 8. And pi square, this pi square cancel out from this one. So you will get only this 8m L square. N square H square upon 8 ml square, and now we can represent it by En. So this formula En is equal to N square H square upon 8 ml square, similar to the Bohr atomic model. Right, now this is the formula for the energy values of the particle in a potential well. Now if N is equal to 1, then E1 will be equal to H square upon 8 ml square. If N is equal to 2, then E2 will be equal to 2 to 4. So 4 H square upon 8 ml square. N is equal to 3, so E3 will be equal to 9 H square upon 8 ml square. E4 is equal to 16 H square upon 8 ml square. So now you can see that this is H1. If I write it, E2 is equal to 4. This is E1. E2 is equal to 4 times of E1. And this is 9 times of E1. And this is 16 times of E1. So what is the ratio between E1, E2, E3, E4? So this is of the 1, 4, 9 and 16. This is 1, 4, 9 and 16. So E2 is equal to 4 E1. So E2 is equal to 4 E1. For any numerical problem, right? E3 is equal to 9 E1, right? And E4, if you have to calculate, 16 E1, right? So all these things you can observe here. If I have to draw a picture in the potential well, right, this is the potential well which we have defined one dimensionally, x is equal to 0 to x is equal to L, where potential is infinite at x is equal to 0 and at x is equal to 1. So this is the ground state E1, and then E2, this is E2, and then E3, 1, 4 times, and this is 9 times. So this will be
E3 higher than. So E1, E2 is what? 4 times of E1. 4 times of the E1. E3 is what? 9 times of the E1. Right? And E4, you can imagine the highest. So with much deeper. So these are the energy states of the particle. And now, if you have to define the probability of the particle and the wave function, then how you will define that? For the E1, the wave function will be like this. So this will be psi 1, and what will be the psi 2? Psi 2 will behave like this one. So this is psi 2, and psi 3 will behave like this one, psi 3. And what about to the probability? So I can basically draw the probability in front to it, so that will be far better to understand it. This is x, and these are the states correspond ground state, second, first excited state. Don't confuse with it, right? Here, this is the first excited state. Right, this is the ground state. This is the second excited state of the particle. Right, so if I have to draw the probability, basically you will see like this one, correspond to the psi 1 first. So psi 1 probability, in this case psi 2, you will observe like this. So this is psi 2 square, and for the psi 3 it will be like this one. So this is psi 3 square. So this was all about to the particle in a box or particle in a potential well, infinite potential well. So you have seen that a particle is free when V is equal to 0. So what we did here, we actually, if I summarize it, so we had considered one equation, and in that equation actually ये एक केस था जिसको मैं पहले डिफाइन कर चुका था. एक एग्जांपल लिया था क्लासरूम का, जब टीचर क्लासरूम के अंदर थे, सभी स्टूडेंट अपनी पोजीशन पर होंगे, बाउंड होंगे उस लेक्चर के अंदर, वो इधर उधर क्लास में नहीं घूम सकते. लेकिन अगर टीचर क्लास से चला जाए तो दे फील फ्री, और वो कहीं भी इधर से उधर या उधर से इधर मूव कर सकते हैं, तो वो फ्री है नाउ. तो अब यहाँ हम लोगों ने पार्टिकल इन एन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, ऐसा भी बोल सकते हैं, उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन यूज की, पोटेंशियल को जीरो रखा. ये जो अब इक्वेशन डिफाइन की है, इसमें ये जो वैल्यूज हैं, इस सेकंड टर्म जो है इसको हमने के स्क्वायर एज्यूम कर लिया. हम लोगों के पास में एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई, जिसका सोल्यूशन हमने विद दीज कॉन्स्टेंट ए एंड बी एज्यूम किया. तो ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट हियर. सो नाउ वी हैड डिफाइन द बाउंड्री कंडीशन एंड द वेव फंक्शन एट दैट. साई जो होगा जीरो होगा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एट एक्स इज इक्वल टू एल. पोटेंशियल जब हम इनिशियली डिफाइन कर रहे थे तो वी इज इक्वल टू जीरो था, और वी जब जीरो होगा तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि उस पार्टिकल को एज ए फ्री पार्टिकल हम ट्रीट करते हैं, और ये जो बाउंड्री होगी वो जीरो टू एल होगी. एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन एल, बट पोटेंशियल इनफाइनाइट रहेगा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एट एक्स इज इक्वल टू एल, लेस देन एंड ग्रेटर देन. अगर आप इस साइड में आए पोटेंशियल के तो, या इस पर रहे तो पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा, इस वॉल पर रहे या इधर आए तो पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा.
तो इस तरीके से हम लोगों ने पोटेंशियल को डिफाइन किया, बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई किया। तो बाउंड्री कंडीशन जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ केवल एक पॉइंट हो सकता है जिसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगे कि इसको कैसे लिख दिया। तो यहाँ मैं इसको क्लियर कर चुका था, तो आप उसको बैक करके देख सकते हैं। और वेव फंक्शन जो डिफाइन होगा इन दिस केस वो होगा ए साइन के एक्स, और इसको ए की वैल्यू को फाइंड आउट हम लोगों को करना है। तो वो कैसे किया उसके लिए, तो हम लोगों ने देखा कि ये ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली बाय नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, और यहाँ से के जो है उसको भी डिफाइन किया था और वैल्यूज फाइंड आउट कर ली थी इन बोथ दी केसेस, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट टू दी पार्टिकल इन ए बॉक्स एंड वी हैड बेसिकली डिस्कस अबाउट टू द रेशो ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, इससे पहले भी मैं उस स्लाइड में डिफाइन किया था कि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी जिसको हम सेकंड बोलते हैं, और ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी जिसको हम थर्ड बोलते हैं, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट टू दी पार्टिकल इन ए बॉक्स एंड आई एम डॉक्टर सुशील कुमार, राइट। एंड टुडे इज 21 दिसंबर 2022, टाइम राइट नाउ इज 9:45 PM। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट द क्वेश्चन और यू कैन विजिट द वेबसाइट एंड जस्ट कमेंट ऑन दैट और आस्क द क्वेश्चन, राइट। थैंक यू वंस अगेन।